तो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। तो फाइनली बहुत दिन के बाद अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो भी रात को दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं जो है भुट्टा खा रहा हूँ अभी। यहाँ पर यार मैं इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर मेरा जो सेटअप है, जो मैं वीडियोस बनाता था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैं टेक कैटेगरी का वीडियोस बनाता था, तो उसके लिए मैंने जो है एक वॉल वियर खरीदा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है ना, इसको जो है हटाकर, मतलब इसको हटाऊंगा ना, इसी के ऊपर मैं जो है ये वाला जो मेरा जो वॉल वियर है, इसका अनबॉक्सिंग मैं अभी तक नहीं किया हूँ, तो अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा है, किस टाइप का दिखता है। और यहाँ पर इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 242 रुपये मात्र। और मस्त वॉलपेपर है यार, अगर दीवार में चिपकाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। मीशो पर मैं इसे मंगाया हूँ क्योंकि अमेजोन पर ज़्यादा रेट इसका लग रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल जो है मैं टेक चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ। जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पर तो लगातार नहीं बना, लेकिन मैंने जो एक नया टेक चैनल बनाया हुआ है वहाँ पर मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़ अपना, और जल्दी से उस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे उस चैनल के बारे में शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा दोस्तों, वो चैनल जब ग्रो हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सा चैनल। अभी जो है हम लोग इसे काटेंगे, कैंची यहाँ पर मैंने ला लिया है, इसको काटेंगे, उसके बाद दीवार पर लगाएंगे। और पार्सल वाले भैया ना अभी बहुत रात को आए, तो रात को आते ही जब मैंने पार्सल को अपना लाया, उसके बाद ही मैंने सोच लिया कि मैं इसे अभी चिपकाऊंगा। तो गाइस अभी इसे ओपन करते हैं इस तरीके से। और जब आप पार्सल इसे कराते हैं तो इसमें जो है पैक होकर आता है, इसके अंदर है ये जो सामान है, वॉल वियर है, इसके अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको मैं जो है निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ नज़र आएगा आपको, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है यार। और इसे जब दीवार में इस तरीके से चिपकाएंगे ना तो और भी ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो जब आप इसे चिपकाने के लिए जाओगे ना, तो सबसे पहले अपने दीवार को नाप लेना। दीवार को नापने के बाद आप जो है अपना वॉल वियर को नाप लेना कि किस तरीके से, किस साइज में आपको काटना है, और यहाँ पर आप जो है एडजस्ट करना है, यहाँ पर मिलाना है। दोस्तों इसका खेल खत्म। ये तो हम लोगों ने इसको अभी नाप लिया है दोस्तों, और नाप कर ही काट रहे हैं। आप अगर इसको मंगाते हो और इस तरीके से नाप कर नहीं काटते तो इसका जो डब्बा है, मतलब कि जो चौकोर है ना, वो अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो है इसको मिला लेना, जहाँ पर आपका चौकोर है ना, तो सभी को एक जगह रखकर आप इसे मिला देना। और दीवार पर भी लगाते तो मिलाकर लगाना दोस्तों। इस तरीके से मैं मिला रहा हूँ इसको, आप देख सकते हो। और ये थोड़ा छोटा बड़ा होगा, ये जो है ना पूरा छोटा पड़ गया मेरे सेटअप में। मेरा सेटअप जो है यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं क्या करूँ, और ये जो है ना ये पूरा छोटा पड़ गया, देख रहे हो। और इसको एक को काटा हुआ हूँ, ये तो पूरा छोटा पड़ गया, ये भी छोटा हो गया। तो हम लोग इसको साइज में नहीं मिलाएंगे, तभी ये फिक्स आएगा। इस तरीके से निकलता है दोस्तों, और इसको जो है ऊपर से चिपकाना पड़ता है, नहीं तो एक ही बार में सबको निकाल देंगे तो भाई नहीं बनेगा। जैसे मोबाइल पर लेमिनेशन करते हैं वैसे इसको चिपकाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग चिपकाते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक लग चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो भाई अभी चिपका रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा वॉल वियर है वो चिपक चुका है, लेकिन यहाँ पर बीच में जगह खाली हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो है तिरछा चिपका हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं फिर से अपना ये ग्रीन वाला जो पर्दा है यहाँ पर शायद लगा सकता हूँ, देखता हूँ। तो ये जो वॉल वियर है ये छोटा पड़ गया, मैं आपको दिखाता हूँ जूम आउट करके, क्योंकि मैंने जूम इन किया था। यहाँ पर आप देखोगे इधर का जो है अच्छे से चिपक गया, और इधर देखोगे इधर जो है अभी बचा हुआ है, और इधर जो है एक, अगर एक ही दीवार रहता तो ये आ जाता अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, दो दीवार है, इसलिए ये दीवार बच गया भाई। अब क्या कर सकते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, वीडियो बनाने के लिए मुझे जूम करना पड़ेगा इस तरीके से, और जूम करूँगा तभी वीडियो अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा हो गया, और ये रहा सेटअप जो कि यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाला जो पर्दा है इसको लगाऊँगा, जो कि पहले लगा हुआ था, और इसको जो है साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा गंदा पड़ा है। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से जो है मेरा सेटअप अभी कंप्लीट हो चुका है,
और यहाँ पर पीछे में मैं हरा वाला पर्दा जो है वो लगा दिया। तो अब जो है जो भी टेक वीडियो देखने को मिलेगा ना वो इस सेटअप पर अब देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से जो है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप अमेजोन से खरीद सकते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट सभी जगह से खरीद सकते हो, और इसका प्राइस जो है बहुत ही चीप प्राइस है, मतलब कि कम प्राइस है। इसमें आपको जो है 250 लगभग मिल जाता है। ये जो है 242 रुपए का जो मैंने मीशो से मंगाया था, लेकिन आपको 250 में अच्छा वाला मिल जाएगा और कम रहता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप एक बार में ही दो मंगा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कुछ इस तरीके से था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।